हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों दो मिनट में डिस्कस करते हैं WTO का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स, नाम है इसका ब्लू बॉक्स। जैसे दोस्तों हम जानते हैं WTO में बहुत से बॉक्सेस रहते हैं, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स, ऐसे ही एक बॉक्स है उसका नाम है ब्लू बॉक्स, जिसमें हम बात करते हैं सब्सिडीज की, जिसमें हम बात करते हैं ऐसी सब्सिडीज की जो कि मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं करती। रादर मैं कहूं तो ये सब्सिडीज कौन सी हैं जो डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने की ट्राई करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं MSP, हमारा MSP हमारे वीट और राइस को प्रमोट करने के लिए सरकार ने जैसे चालू किया था, लेकिन हमने ग्रेजुअली देखा कि वो प्राइस को डिस्टॉर्ट करता है MSP, कि अगर मार्केट में अगर दाम कम भी है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से दाम ऊपर चला जाता है, हमारे जो किसानों को जो मिलने वाला दाम मार्केट प्राइसेस जो है डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। इसी को कम करने के लिए, इसी को रिड्यूस करने के लिए ब्लू बॉक्स की भी यहां बात होती है। ब्लू बॉक्स क्या अटेम्प्ट करता है, वो आपकी प्रोडक्शन को लिमिट करने की ट्राई करता है। मैं आपको सिंपल सा तरीका समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक फील्ड है, आपके पास लेट्स से आपके पास एक एकड़ जमीन है एंड इस पर आप कुछ चाहते हैं उगाना, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप चाहे जितना मर्जी इस पे सामान उगाएं, मेरी रिसर्च कहती है कि आपको 10,000 रुपए ही सिर्फ इस पे चाहिए फर्टिलाइजर, चाहे बिजली, चाहे जो भी सीड्स के लिए 10,000 रुपए आपको चाहिए, इसके ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने यहां पर आपके पैसे डिसाइड कर दिए कि आपके एक एकड़ के हिसाब से इतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेरी रिसर्च के मुताबिक अगर इस पे 100 किलो अनाज उगना चाहिए था, अगर आप 100 किलो से ऊपर अनाज उगाने की ट्राई करेंगे 110-120 किलो, दैट मींस आप जो फर्टिलाइजर लेकर आए थे 10,000 रुपए में, वो फर्टिलाइजर कम पड़ जाएगा, तो जो फसलों को अच्छी हमें यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितना मैंने आपको जितने जो पैसा दिए उसी के हिसाब से आप अपनी फसल उगाएं या फिर जो भी है सामान प्रोड्यूस करें, ठीक है। इसलिए प्रोडक्शन को लिमिट करने की ट्राई करते हैं, इसलिए मार्केट को डिस्टॉर्ट करने की यहां पर ट्राई करते हैं। अब यहां पर कितनी इसकी लिमिट है, इस पे कोई लिमिट नहीं है। सरकारें जितना भी चाहें ब्लू बॉक्स सब्सिडीज में अपनी सब्सिडी एक्सटेंड जो कर सकती है एक्सटेंड, अदरवाइज एम्बर बॉक्स में जैसे कि आप जानते हैं कि डी मिनिमिस नामक चीज रहती है, डी मिनिमिस कि इससे ज्यादा हम जो सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन यहां पर सरकारों पर कोई पाबंदी नहीं होती। प्रोडक्शन लिमिटिंग है, किस पर डिपेंड करती है, कितनी जमीन है एकरेज पे, या कितनी यील्ड है, कितने हमारे या तो कितने पशु हैं मवेशी हैं, उसी के हिसाब से भी आप यहां पर सब्सिडी दे सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट प्राइस, मार्केट प्राइस जो हम जैसे जो डिटरमिन करने की ट्राई करते हैं कि हमारा क्या टारगेट प्राइस है, मार्केट प्राइस, इसको हम यहां पर डिस्टॉर्शंस को हम कम से कम करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे डिबेट होती जा रही है, अभी हम देख रहे हैं कि ब्लू बॉक्स को हटाने की ट्राई की जा रही है, क्योंकि इस पर कोई लिमिट नहीं है कि कितनी टारगेट प्राइस होनी चाहिए। तो इसको अभी जैसे मैंने आपको मैंने 10,000 रुपए लेट से अगर एकड़ के हिसाब से मैंने आपको फर्टिलाइजर, सीड्स, बिजली, पानी अवेलेबल करा दिया कि ये रहे 10,000 रुपए, आप एक एकड़ के में इतना खर्च कीजिए, तो उससे हो सकता है कि हम फर्दर हम प्राइसेस को फिर से हम डिस्टॉर्ट कर दें। तो क्योंकि हमारे यहां पर कोई लिमिट नहीं है कि एक एकड़ कोई इंसान बोले मुझे 20 एकड़ पर उगाना है, तो मुझे 20 एकड़ के हिसाब से उनको 20 × 10,000 2,00,000 रुपए देना होगा, तो अगेन मैं बहुत सारी सब्सिडी दे दूंगा, तो हो सकता है मार्केट फिर से डिस्टॉर्ट हो जाए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट यहां पर काफी कम हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर अब मार्केट प्राइसेस को फिर से डिस्टॉर्शन की बात हो रही है। EU अभी इसको बहुत अग्रेसिवली फॉलो करता है। इंडिया में अगर आप देखते हैं PM किसान जो स्कीम है, वो भी आपको जो सिर्फ और सिर्फ एक सालाना इनकम देने की ट्राई करती है फार्मर्स को। जो रायतु बंधु स्कीम थी हमारे पास आंध्रा में, तो रायतु बंधु स्कीम भी यही थी, वो भी एकरेज पे चलने की ट्राई करती थी। तो इसलिए इसको रिलेट करने की ट्राई भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही और बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करते जा रहे हैं, पूरा हम प्रीलिम्स के स्पेसिफिक हमने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसका नाम है क्रैश कोर्स। आप को एनरोल भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर जाकर। टेस्ट सीरीज भी है उसके साथ लेंगे, थोड़ा और कॉस्ट इफेक्टिव रहता है दोस्तों। इसी के थ्रू आपको ट्राई कर रहे हैं एंड वेरियस इनिशिएटिव्स के थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की, ताकि हम प्रीलिम्स में दे पाए अच्छा सा अटेम्प्ट, ठीक है दोस्तों। बस यही एक छोटा सा हमारा वीडियो, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय।